जाके आपको एक कोड एंटर करना है, और वो कोड है स्टार हैज 813, स्टार हैज 813। और हैज को आप जैसे ही डायल करेंगे, ऑटोमेटिक आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों ओप्पो का A15 मॉडल आप यूज़ करते हैं, A15 मॉडल अगर आप यूज़ करते हैं, और उस फ़ोन में पिन पासवर्ड पैटर्न लॉक लग गया है। बहुत सारे हमारे यूजर्स ओप्पो A15 के हैं रेगुलर कमेंट कर रहे हैं कि सर आप ओप्पो A15 A15 के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो आज का वीडियो स्पेशली A15 मॉडल के लिए है। अगर आपके पास ओप्पो का A15 मॉडल है और उसमें लॉक लग गया है और आपने सिम कार्ड भी निकाल दिया, ये देखिए यहाँ पे नो सिम, हमने भी सिम कार्ड निकाल दिया है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में कहा जाता है कि सर आप जो है सिम कार्ड को निकाल के वीडियो बनाइए, क्योंकि फ़ोन जब भी हमारा लॉक होता है तो हम फिलहाल जो है सिम कार्ड को निकाल देते हैं ताकि कॉलिंग चालू रहे, ऐसा आप लोगों का कहना है। तो अगर आपके पास भी ओप्पो का फ़ोन है, फ़ोन में आपने लॉक लगाया और आप भूल गए, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो मेथड हम आपको सिखाएंगे उसके थ्रू आप ओप्पो A15 के लॉक को बहुत ही आसानी से अनलॉक करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हमारे चैनल पे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो अभी आपको यहाँ पर इस तरीके से स्वैप अप कर लेना है, और अपने ओप्पो के फ़ोन को, अगर आपके ओप्पो के फ़ोन में पासवर्ड लॉक, पिन लॉक, फिंगरप्रिंट किसी भी तरीके का लॉक हो, सेम एक ही मेथड होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई दूसरा लॉक लगा हुआ है तो उसके लिए कुछ अलग मतलब कि ट्रिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्वैप अप करेंगे अपने फ़ोन को और इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन में जाएंगे। इस तरीके से देखिए हमारे फ़ोन में इमरजेंसी कॉल्स वाला ऑप्शन है, इस तरीके से हम इस ऑप्शन में जाएंगे और जाते हैं *899 और हैच का प्रयोग करेंगे। ये देखिए हम जाते ही इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन में जाते हैं, *899 और हैज का प्रयोग करेंगे। इससे यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा इमरजेंसी कॉल या फिर इमरजेंसी SOS का। जी हाँ दोस्तों, इमरजेंसी कॉल या फिर इमरजेंसी SOS ऑप्शन को यहाँ से एक्टिवेट कर लीजिए, और इस तरीके का कुछ खुलेगा यहाँ पे आपके साथ। अब जब ये ऑप्शन आपके पास आएगा तो इसमें बहुत सारे आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है, आपको करना होगा बस इतना काम कि यहाँ पे आपको सबसे पहला जो ऑप्शन ढूंढना है वो है मैनुअल टेस्ट का। जी हाँ दोस्तों, आपको ढूंढना है मैनुअल टेस्ट का, इस तरीके से। ये देखिए मैनुअल टेस्ट का ऑप्शन हमने ढूंढ लिया, और यहाँ पे आपको स्वैप अप करना है। स्वैप अप करते ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जी सेंसर का, जी सेंसर पे क्लिक करना है। जी सेंसर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इस फर्स्ट वाले ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे जी सेंसर को एक्टिवेट कर देना। ये देखिए हमारा जी सेंसर यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। अब बैक कर लीजिएगा, बैक करते ही आप पहुँच जाएंगे वापस से इंजीनियर मोड वाले पेज पे। एक लास्ट में ऑप्शन आपको दिखाई देगा अदर्स का, ये देखिए सबसे लास्ट में अदर्स का ही ऑप्शन होता है, और यहीं पे आपको करना है, ये है कि रीसेट करना है अपने पिन पासवर्ड पैटर्न को, जो कि नीचे आपको दिखाई देगा रीसेट, रीसेट कम्प्लीटली का ऑप्शन यहाँ पे है। इसको आप इस तरीके से टैप करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन पास हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा रीसेट यहाँ से पास हो गया। और रीसेट का ऑप्शन जैसे ही पास हो, आपको करना है बैक, बैक के ऑप्शन में जाके आपको फिर से बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस तरीके से। तो हम पहुंच जाएंगे लॉक स्क्रीन में, और जैसे ही आप लॉक स्क्रीन में जाएंगे, स्वैप अप करेंगे, तो इमरजेंसी कॉल ऑप्शन में जाके आपको एक कोड एंटर करना है, और वो कोड है *813, *813। और हैज को आप जैसे ही डायल करेंगे, ऑटोमेटिक आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, और आपसे कोई भी पिन पासवर्ड पैटर्न नहीं मांगा जाएगा। विदाउट डेटा लॉस ये फ़ोन आपका अनलॉक हुआ है, और किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो तो हमें आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।